नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके देर रात 3:25 तक रहेगी। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:37 तक परिग्रह योग रहेगा। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके 2:30 तक रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। आज दोपहर 2:20 से पूरा दिन पूरी रात पार करके 3:25 तक भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 नवंबर की रात 9:30 से रात 1:54 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 10:07 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 10:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 नवंबर की सुबह 9:47 से दोपहर बाद 3:01 तक और शाम 4:25 से रात 10:11 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:40 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 नवंबर की सुबह 7:07 से 9:07 तक और दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 2:36 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 12:27 तक और रात 2:44 से अगली सुबह 6:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:14 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:50 से शाम 4:12 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:13 से शाम 4:39 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:49 से शाम 4:11 तक। लखनऊ दोपहर 2:36 से दोपहर बाद 3:59 तक। भोपाल दोपहर 2:52 से शाम 4:16 तक। कोलकाता दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:33 तक।
अहमदाबाद दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:36 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 2:47 से शाम 4:14 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आप कुछ ज़रूरी फैसले ले सकते हैं। अपनी सहजता को सुनिए और वो आपको सही दिशा में आगे लेकर जाएगी। इस राशि के लोग आज अपने बच्चों के करियर के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपके बच्चों का करियर उत्तम बना रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर कुछ अनबन हो सकती है, जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। इस राशि के जो लोग बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आज उनके बदलाव से ऑफिस का माहौल गड़बड़ रहेगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आज आप रिलैक्स महसूस करेंगे, साथ ही आज घर के किसी बड़े मामले में आपको निर्णय लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार रहेगा। इस राशि के लोग आज प्यार के मामले में पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है आपके लिए शादी का प्रस्ताव भी आए, जिससे आपके घर के का माहौल खुशनुमा रहेगा। अपने विचारों और लंबे समय के परिणामों के प्रयास पर ध्यान दीजिए और देखिए कि ये आपको कहाँ ले जाता है। लवमेट के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खुशनुमा रहेगा। साथ ही आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें जो आपको चुनौती देते हैं और प्रोत्साहित करें, और अपनी योजनाओं पर उनसे चर्चा करें, साथ ही उन विचारों पर चर्चा करें। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आप अपनी उम्मीदों से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस राशि के लोग आज प्यार के मामले में निगेटिविटी फील करेंगे। कोई बाहरी आज आपके विवाहित जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी समझदारी आपको इन मुसीबतों से दूर रखेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपको खुद में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलाव करने से आपको बेहतर करियर मिल सकता है। साथ ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आज आप अपने चिड़चिड़ेपन पर काबू रखें। आज जो चीज़ें आपके लिए रुकावट बन रही हैं, उसे नज़रअंदाज कर दें। इसके विपरीत ज़रूरतमंद चीज़ें आपको फ़ायदे भी दिला सकती हैं। इस राशि के जो स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज उनका मन पढ़ाई में लगेगा। आपके रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने व्यवहार के प्रति दूसरों को अपनी तरफ व्यवहार की वजह से दूसरों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपके दुश्मन भी आज दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। परिवार वालों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए मॉल जा सकते हैं, जहां आपको डिस्काउंट जरूर ऑफर होगा। इस राशि के जो स्टूडेंट्स सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आ सकते हैं। लवमेट के साथ टाइम स्पेंड करने से आपके रिश्तों में नज़दीकियाँ आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। खुशियों की बारिश कभी भी हो सकती है। हो सकता है शाम तक कोई शुभ समाचार मिले, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। सोसाइटी के लोग आज आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न रहेंगे। रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा रहेगा। आज किसी बुजुर्ग की मदद करने से आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। स्वास्थ्य आज फिट रहेगा। इस राशि की अविवाहित महिलाओं को आज के दिन विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। लवमेट के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आज किसी नई रचना की शुरुआत भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के जो लोग खेलकूद में रुचि रखते हैं, आज का दिन खुशनुमा रहेगा। हो सकता है किसी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपके करियर की बेहतरीन शुरुआत होगी। आज ऑफिस में हल्का फुल्का काम करने के तरीकों में चेंजेस करेंगे और एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे आपके काम आसानी से पूरे होंगे। लवमेट के साथ अच्छा डिनर करेंगे, आपको सफलता हासिल होगी।
आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज तकदीर आपके साथ रहेगी। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। आज किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें। आज दूसरों से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। अगर आज पहले से ली हुई जमीन को बेचना चाह रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। काम से रिलेटेड विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, आपको हर काम में फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपका बेहद खुशनुमा रहेगा। इस राशि के बेरोजगार बैठे लोगों को आज रोजगार मिल सकता है, साथ ही नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में प्रमोशन मिलने के चांस बन रहे हैं। ऑफिस में आपका सीनियर आपसे अधिकतम काम करवाने का इरादा रखता है, जो आप कर सकते हैं चाहे तो आप उसको मना कर सकते हैं या फिर आपके पास उसको पूरा काम को पूरा करने के लिए मल्टीटास्किंग की क्षमता है तो ज़रूर कीजिए। आज अचानक आपके घर कोई करीबी रिश्तेदार आ सकता है, जिससे शाम को घर पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगा रहेगा। आज माता पिता के साथ मंदिर जाने का प्लान बना सकते हैं। कई दिनों से चली आ रही परेशानियां आज खत्म हो सकती हैं। अगर आप किसी समारोह में जा रहे हैं तो लाइट जाने पर आपको तैयार होने में थोड़ा लेट हो सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की आज एक उनको सुनहरा मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। साथ ही किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो पपीता खाकर जाएं, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज सामाजिक कार्य के कारण आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। देखो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और पपीता इम्पॉर्टेंट हो, पपीता नहीं मिला तो परेशान मत होइए, पपीते को स्मरण करिए और चलिए। कुंभ राशि वालों, आज आपको व्यापार के कुछ मामले में अचानक फायदा हो सकता है। आज आमदनी का कोई नया सोर्स आपको मिल सकता है। आज आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा। ऑफिस में आज आपको अच्छे कामों के लिए पदोन्नत भी किया जा सकता है, साथ ही आपकी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। आज अपना मत बिना झिझक सबके सामने रखिए, जो आपके लिए कारगर साबित होगा। आज आप व्यावहारिक जीवन के प्रति रुझान महसूस करेंगे। आज बच्चों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, साथ ही शाम को आप अपने परिवार वालों के साथ कोई मूवी देखने भी जा सकते हैं। आज अचानक आपको खुशखबरी मिलने के आसार लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, जो आपके और परिवार वालों के जीवन में खुशियां भर देगी। आपके परिवार में खुशियां बरकरार रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज जीवन साथी से आपको सकारात्मक संकेत मिलेंगे। आज आपका वैवाहिक जीवन में खुशियों का समावेश रहेगा। आज आपके कंधों पर एक से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जो आगे चलकर आपके मान सम्मान में कारगर साबित होंगे। आज आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। आज के दिन स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आज ट्रैफिक संबंधित प्रदूषण से दूर हो सके तो मुंह पे कपड़ा बांध कर निकलिए, मास्क तो जरूर पहनिए। आज दूसरों को देखकर काम करने में कोई जल्दबाजी ना करें। आज आप अपनी जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है, आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको इंटरव्यू में सक्सेस मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में घी का दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों जीवन साथी के साथ खूब सारी बातें करेंगे, जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 2 माता पिता के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 3 आपका उत्साह बढ़ा रहेगा और साथ ही आपको कोई खुशी का समाचार मिलेगा। मूलांक 4 छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मूलांक 5 आमदनी के स्रोत बढ़ने के आसार हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। मूलांक 6 आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, ये आइडिया आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। मूलांक 7
आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जो भी काम करेंगे वो पूरा होगा। मूलांक 8, आपका कोई काम बनते बनते रुक सकता है, लेकिन किसी की मदद से शाम तक वो काम पूरा होगा। मूलांक 9, जो लोग गाने के शौकीन हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व दिशा का तत्व काष्ठ यानी लकड़ी है। इसका संबंध गति और मार्ग से है। शरीर में पूर्व दिशा का प्रभाव पैरों पर अधिक पड़ता है, अतः अगर आपके पैरों में किसी प्रकार की तकलीफ है तो आपको पूर्व दिशा के वास्तु सुधार और सही रंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दिशा का नैसर्गिक रंग हरा है और हरा रंग वृक्ष या पेड़ पौधों के विकास का सूचक है, अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में हरे रंग के पेड़ पौधे लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। पूर्व दिशा में हरा रंग करवाने से या इस रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करने से इस दिशा संबंधी तत्वों के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:25 तक रहेगी। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:37 तक परिह योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। इसके अलावा आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:30 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र के जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इनका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। अतः रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी प्रकार से जामुन के पेड़ को कोई हानि न पहुंचाए, ना ही आज जामुन के फलों का सेवन करें। तो ये थी परिघ योग और रोहिणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 2:20 से पूरा दिन पार करके देर रात 3:25 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती है। जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है। और आज के दिन चंद्रमा वृष राशि में है। स्वर्गलोक अतः भद्रा स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वर्गलोक की भद्रा में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन स्वर्गलोक की भद्रा के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा के मुख में कोई शुभ कार्य अवॉइड कर लें तो अच्छा है। यहाँ भी एक पेंच है, मुहूर्त ग्रंथ के अनुसार शुक्ल पक्ष की वृश्चिकी भद्रा की पूछ में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अतः शुक्ल पक्ष की स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों में भद्रा की पूछ को भी अवॉइड करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन भद्रा हो यदि उसी दिन आपको कोई शुभ कार्य करना पड़ जाए तो उस दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। साथ ही भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम इस प्रकार हैं: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर अक्षयकारी। तो ये थी आज के दिन पढ़ने वाली भद्रा की चर्चा। और अब रोहिणी नक्षत्र के दिन आपको कौन से खास उपाय करने हैं इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। सभी लोग इन उपायों का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। अगर आपको अपने आसपास बहुत से लोगों के होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है तो आज आपको मंदिर में दूध का पैकेट दान करना चाहिए। अगर आप किसी तरह के भय आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में पानी से भरा मिट्टी का घड़ा यानी मटका दान करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आज आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपके लिए आज के दिन पेड़ लगाना संभव न हो तो आज के दिन पेड़ लगाने का संकल्प कर लीजिए और जितनी जल्दी आपको मौका मिले पेड़ लगाइए। अगर आपकी नई जॉब लगी है और आप अपने काम से सीनियर्स को खुश रखना चाहते हैं तो आज आपको अपनी माता से भेंट के रूप में एक मुट्ठी चावल प्राप्त करनी चाहिए
और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो उनके बीच संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों के कपड़ों में से एक एक धागा निकालकर उन धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं और हाथ जोड़कर दोनों के अच्छे संबंधों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप किसी तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपको बता दूं कि दो मुखी रुद्राक्ष पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है और मानसिक रूप से तनाव का कारण भी चंद्रमा ही होता है। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं या जब तक आपका काम न बन जाए तब तक आपको एक टेंशन सी बनी रहती है तो आज आपको अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही चंद्रदेव के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र इस प्रकार है, सोम सोमाय नमः। आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है, वो हर पल कुछ सोचते रहते हैं, तो आज आपको जैन मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अगर आप तरल पदार्थ जैसे किसी जूस, कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतलों से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको किसी सफ़ेद घोड़े को घास खिलानी चाहिए और फिर शाम के समय आपको एक लोटा जल में थोड़े से चावल के दाने डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और 11 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम शांग श्रींग शौंग सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है या आपका सोर्स ऑफ इनकम दिन ब दिन कम होता जा रहा है तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको अपने परिवार की बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग महिला ना हो तो आसपास मोहल्ले में किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद जरूर लीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप कमाई के नए साधनों का फायदा उठाने में सफल रहेंगे। अगर आप ऑफिस में सबके बीच अपनी मेहनत का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आज आपको बैलगाड़ी या बैलगाड़ी के चित्र को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो आज के दिन अपने घर में बैलगाड़ी का चित्र भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप ऑफिस में सबके बीच अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः रोहिणी नक्षत्र और इस दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, बिल्डर्स के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। पुराना टेंडर पूरा होने के बाद आपको नया टेंडर जरूर मिलेगा। बी, ऑफिस में काम के प्रति तारीफ होगी, साथ ही बॉस आपसे खुश होंगे। सी, कारोबारियों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, आपके व्यापार में अचानक मुनाफा होगा। डी, घर पर किसी रिश्तेदार का आगमन होगा जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। ई, अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें, साथ ही खान पान पर भी थोड़ा ध्यान दें। एफ, किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा जिससे आप अपने अधूरे कार्य पूरे कर लेंगे। जी, पैसों के लेन देन से आप दूर रहें, नहीं तो किसी को उधार दिया हुआ पैसा फंस सकता है। एच, धन लाभ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। आई, किसी पुराने सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है जिससे आपको बहुत खुशी होगी। जे, अगर आप संगीत के क्षेत्र में रुझान रखते हैं तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर गाना गाने का मौका मिलेगा। के, आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे। एल, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शुरू करें। एम, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आपको अचानक मुनाफा होगा। एन, आपका मन आध्यात्म की ओर रहेगा, कोई धार्मिक बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ओ, आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पी, किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज समय से पहले पूरा कर लेंगे। क्यू, जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आर, आपकी क्रिएटिविटी से लोग आपसे प्रभावित होंगे,
आपका मान सम्मान लोगों के प्रति और बढ़ेगा। एस, आज का दिन आपके लिए खास होगा, अपनी अपने भावों को आज आप सही ढंग से निखार पाएंगे। टी, ऑफिस में आज सहकर्मियों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जिससे आप थोड़ा सोच विचार में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। यू, छोटे बच्चों को आज पेरेंट्स से कोई गिफ्ट मिलेगा, जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। वी, जीवन साथी से कुछ गिफ्ट मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। डब्ल्यू, किसी नई जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। एक्स, किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो काम बिगड़ सकता है। वाई, आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों से आज आपको छुटकारा मिलेगा। जेड, आज आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो परिवार वालों का पूरा सहयोग होगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चलेंगे केरल, यहाँ के मनाकुला जिले में माँ सरस्वती को समर्पित एक सिद्ध मंदिर है, जिसे पंचकड़ सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये केरल का एकमात्र देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर को दक्षिण मोकाम्बिका मंदिर से के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा किझेपुरम नंबूदरी ने किया था। राजा नंबूदरी देवी मोकाम्बिका के परम भक्त थे। उन्होंने इस मूर्ति को खोजा और पूर्व की ओर मुख करके स्थापित किया। प्रतिमा के पास एक अखंड दीपक भी स्थापित है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, क्या बात है। जगत जननी की छवि अद्भुत है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेली में सूर्य के समान चिन्ह की। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य के समान चिन्ह की आकृति होती है, उस पर स्वयं सूर्य भगवान की कृपा बनी रहती है। सूर्य के तेज समान हर काम में इनकी गति भी तेज होती है। सूर्यदेव इनकी जिंदगी में कभी भी दुख की परछाई नहीं पड़ने देते और अपनी रोशनी से सदा इनके जीवन में चमक भरते रहते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य के समान चिन्ह होता है, वे लोग प्रखर बुद्धि वाले और यथार्थवादी होते हैं। इनका जीवन ही बहुत ही सादगी प्रिय होता है। धन दौलत होते हुए भी इन पर घमंड की चादर कभी नहीं चढ़ती। ऐसे लोग अधिकतर शोधकर्ता या आविष्कारक का काम करते हैं और सम्मान पाते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। और उसके बाद आज और रात 3:25 तक तृतीया रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी, जो कि कल सुबह, मतलब उसके अगले सुबह 5:15 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली नहीं खाई जाती। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपना खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हनान कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज रोली से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।